को जो अपने बच्चों को भूखा रखे, जो सरकार अपनी बहन बेटियों को जो बहन बेटियों पर अत्याचार होने दे, जो अपने युवा साथियों को, युवाओं बच्चों को बेरोजगार रखे, जो अपने बड़े बुजुर्गों को फ्री राशन के नाम पर यहाँ की जनता को गुलाम बनाकर रखे, ऐसी सरकार को आप जानते हैं क्या कहना चाहिए? ऐसा शासनकाल पता है कहाँ होता है? जहां बच्चे भूखे रहें, जहां बहन बेटियों पर अत्याचार हो, जहां युवा बेरोजगार हो, जहां जनता फ्री राशन के नाम पे गुलाम बना दी जाए, ऐसी सरकार आतंकवादियों की सरकार होती है, ऐसी सरकार तालिबान अफगानिस्तान में चलाता है। साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है, अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का, और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। साथियों, अगर हमारी बात थोड़ी ज्यादा छुप गई हो और इलेक्शन कमीशन को लगे कि हमें तालिबान नहीं बोलना चाहिए था या भाजपा को आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए था, तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि यहाँ उतर के आके देखें और गांव-गांव में घूमें और पता करें कि यहाँ के जो बहन बेटियां हैं, जो हमारे युवा हैं, वो किस हालत में जी रहे हैं। वो खुद समझ जाएंगे कि जो हमने कहा वो गलत नहीं, वो सत्य है, वो सच है, वो हमारी आवाम आज जी रही है।